हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सखी क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं साधना सिंह, कैप जो हमने ये राउंड कैप बनाना है उसका दूसरा भाग में लेके आई हूँ और आगे का भाग आपको बनाना बताऊँगी। दोस्तों, जैसे कि ये हमारा ओपन था, इसको हम डबल करेंगे और सिलाई करेंगे, जो कि हमने यहाँ से सिलाई करना शुरू कर दिया है। तो डबल धागे से हम क्या करेंगे, ये जहाँ से हमारा फंदा ये बढ़ा हुआ है, उस भाग को लेके हम इस तरीके से सिलाई कर देंगे। ये यहाँ पे अब सिलाई यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। सिलाई करने के बाद क्या करेंगे, ये अब हमारे जो यहाँ पे 40 फंदे थे वो 40 हो गए हैं। ये 40 फंदे को हमने डबल किया था तो ये 80 फंदे, 20 फंदा हमने एक्स्ट्रा इसमें रखा था तो ये 100 फंदे हो गए थे। उसी तरीके से जब 80 फंदे पे आप बनाएंगे उसका डबल करेंगे और 20 फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे। अब आते हैं, ये जब ये हमारी लाइन बुननी होगी तो इसमें हमें 8 लाइन सीधी उल्टी ये बुनना होगा। 8 लाइन ये बुनेंगे, फिर बीच में 2 लाइन में हम ये जाली देंगे, फिर 8 लाइन बुनेंगे। और बुनने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे 80 फंदे, जब 80 फंदे पे बनाएंगे तो 80 फंदे यहाँ पे कर देंगे। मैंने दोस्तों इसी डिजाइन पे मैंने हमने इसको बनाना बताया था तो वो डिजाइन मैं इस 40 फंदों पे अब डाल चुकी हूँ। अभी इसकी लंबाई पूरी नहीं हुई है तो अभी हमें इसमें बुनाई करना है, तो मैं बुनूंगी और ये डिजाइन हमारा प्लेलिस्ट में शामिल है तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, इस कैप को बनाना है तो हमारे वीडियो को पूरा देखें और आइकन बिल्कुल ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का आने वाला न्यू नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले, और शेयर भी करें और कमेंट भी दें और लाइक भी करें हमारे चैनल को। दोस्तों, इस डिज़ाइन को एक बार मैं फिर बनाना बताऊंगी और ये डिज़ाइन हमारे प्लेलिस्ट में भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। किनारे से क्या करना है, हमें 3 फंदे रखना है। 3 फंदे रखेंगे, बिल्कुल जो यहाँ पे हमने डाला है वही तरीका मैं बता रही हूँ, और 1 फंदा स्लिप करेंगे जो कि यहाँ से हमारा स्लिप करते हुए आ रहा है। फिर 3 फंदे हम बुन लेंगे, उतार लेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे। इसी तरीके से इस लाइन को हमें दोहराना है तो मैं पूरा इस लाइन को कंप्लीट करके आगे का बताती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। हमने सीधे बुन लिया है, अब हमें क्या करना है, इसमें किनारे का है तो हम धागा आगे करेंगे। अब हमें उल्टे की तरफ से सीधे बुनना है, यानी कि आगे की तरफ उल्टी हमें लाइन लाना है। फिर धागा आगे करेंगे, जो फंदा स्लिप किया है उसे उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे, और 3 फंदों को हमें सीधे बुनेंगे। ये रंग साइड है, ये सीधे आएगा, इधर उल्टा आएगा। फिर धागा आगे करेंगे, फंदा उतार लेंगे, फिर आगे करेंगे, 3 फंदों को हम सीधे बुन लेंगे। इसी तरीके से इस लाइन को दोहराना है तो मैं पूरा बुन के आपको दिखाती हूँ। रेड से हमने 2 लाइन कंप्लीट कर लिया है, ये दो दो लाइन जाएगा उल्टी सीधी करके। अब वाइट फंदे से हमें बुनना है तो ये वाइट फंदे हमने ले लिया है, किनारे का फंदा हम स्लिप कर लेंगे और बीच का फंदा हमें वाइट बुनना है, जो कि ये मोती की तरह से हमारे ये बीच में जा रहा है। फिर किनारे का स्लिप करेंगे और इस फंदे को हम बुन लेंगे, फिर उतार लेंगे, बीच का फंदा बुनेंगे, फिर उतार लेंगे, वाइट वाला फंदा हम बुन लेंगे। इसी तरीके से इस लाइन को दोहराना है। दोस्तों, ये प्लेलिस्ट में है, आप उसमें वीडियो जाके देख सकते हैं। सेम वही उसी तरीके से फिर हमें ये उल्टे हम इसी सीधे बुनेंगे और उल्टी की तरफ से जैसे हमने ये लाइन दोहराया है उसी तरीके से इसको दोहराना है। सीधे हमने लाइन कंप्लीट कर लिया है, अब रंग साइड से जिस तरीके से हमने रेड वाला लाइन बुना है उसी तरीके से हमें यहाँ पे बुनना है। किनारे का हम स्लिप कर लेंगे, ये सीधा जा रहा है तो इसको हम सीधा ही बुनेंगे, स्लिप कर लेंगे, और ये हमारे बीच का है तो धागा आगे करेंगे और इसको हम सीधा बुन लेंगे। फिर आगे उतार लेंगे, इस फंदे को हम उल्टे बुनेंगे, ये जो जा रहा है, फिर स्लिप कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, बीच का फंदा हम सीधा बुनेंगे। इसी तरीके से इस लाइन को हमें दोहराना है, फिर अगले लाइन में ये हमारा यहाँ पे 3ों फंदे रेड हो जाएंगे। तो मैं बुन के आपको आगे का दिखाती।
अब फिर जैसे हमने पहले लाइन में बताया था उसी तरीके से इनके फंदों को बुनना है। मैं बुन के आगे का दिखाती हूँ। दोस्तों अब इसकी लंबाई पूरी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 40 फंदे हैं उनको 5 भागों में यानी 5 भागों में हम इसको बांट लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2, 4, 6 हो गया। यहाँ पे हम एक फंदा घटाएंगे, एक भाग हो गया हमारा। अब सारे फंदे हम वार्ड से ही बुनते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ पे हम एक फंदा घटाएंगे, दो भाग हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया हमारा, ये तीसरा भाग हो गया। इसी तरीके से ये हमारे ये भी फंदे 5 भाग में, ये जो 40 फंदे हम 5 भाग में बांट लेंगे। तो मैं आगे का लाइन बना के दिखाती हूँ। 5 भागों में हमने बांट लिया है और ये हमारी लाइन अब कंप्लीट हो गई है। अब सभी फंदों को हमें रंग साइड से उल्टे की तरफ से उल्टे ही बुनते चले जाना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो मैं ये आपको बुन के दिखाती हूँ। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे फंदा यहाँ पे घटाया था तो यही फंदा हम फिर घटाना शुरू करेंगे। जहाँ पे हमने फंदा घटाया था है वहीं पे घटाएंगे, बाकी बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो यहाँ पे हमें फंदे घटा लेना है। फिर आगे का बुन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ घटाना है। तो इस तरीके से घटाएंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 तो दो फंदे का हमें यहाँ पे एक बुन देना है हमने घटाया यहाँ पे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 यहाँ पे इसको घटा लेंगे। किनारे एक फंदा हमने रखा है, बाकी रंग साइड से सभी फंदों को हम उल्टे की तरफ से उल्टे ही बुनेंगे। दोस्तों फिर हमें आ गए हम यहाँ पे, हमने फंदा घटाया फुल हमने बुन लिया है। इसी तरीके से हर लाइन में हम सीधी लाइन की तरफ से एक एक फंदे हमारे घटते चले जाएंगे। यहाँ पे अब घटाना है हमको। इसी तरीके से हम सारे फंदे को एक एक करके हम घटा लेंगे। तो मैं दोस्तों ये हमारे अब सभी फंदे जो ये हमारे ये 40 फंदे थे अब यहाँ से हमने घटाना है। ये देखिए हमारा लाइनिंग डोरी जा रहा है। तो यहाँ से अब हमारे सारे अब फंदे घट चुके हैं, एक एक और फंदे बचे हैं तो उनको भी मैं आपको घटाना बता रही हूँ। फंदा को सीधा करेंगे, दो फंदे को एक बना देंगे। फिर हमारा ये घट चुका है, एक बचा है इसका। फिर यहाँ पर भी हम सीधा करके दो का एक बना देंगे, दो भाग हमारा हो गया। यहाँ भी घट एक बचा है बीच का, ये देखिए ये तीसरा भाग हो गया भाई। यहाँ पे भी बचा है चौथा भाग और ये हमारा ये पांचवा भाग हो गया है। 40 फंदों को हमने 5 भाग में बांटा है। जब आप 80 फंदे रखते हैं इसमें यहाँ पे, जब 80 फंदे रखते हैं तो उसको 10 या 12 यानी कि 10 या 12 भाग में इस फंदे को 80 फंदे को आप बांट देंगे। अब क्या करेंगे हम, रंग साइड से सभी फंदों को हम घटा लेंगे, इसमें अब हमें कुछ नहीं करना है। और ये हमारा आपका बन गया है।
सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। ये अब हो गया। अब इसकी हमें यहाँ से सिलाई उल्टे करके करनी है। इस तरीके से हमें इसकी अब सिलाई करना होगा। आपने धागे को हमने काट लिया है, अब इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करके इसकी ये पूरी हम सिलाई करेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। दोस्तों इसमें धागा लगा लिया है हमने, अब इसको हम यहाँ से सिलाई इसकी शुरू करेंगे। और ये हमने ये जो हमारा ये है चारों तरफ से जाएगा, इसको यहाँ पे हमने सिल लिया है। तो यहाँ से इसको सिलना हम शुरू करेंगे। तो मैं पूरा आपको सिल के दिखाऊंगी जोड़ के। ये हमारा सिलाई हो रहा है। दोनों को पकड़ के हम सिलते जाएंगे। इसमें हमें अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम बराबर कर लेंगे जहाँ से हमारा डिजाइन आया है, और इसकी सिलाई को हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब हमारी इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है, और इसके धागे को हम यहाँ से काट लेंगे, और इस कैप को हम अब सीधा करेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब हमारी ये राउंड कैप बिल्कुल बन के तैयार है, और ये कैप कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप ये बेबी गर्ल को और ये बॉयज़ को, छोटे बच्चों को ये कैप आप आसानी से बना के इस डिज़ाइन पे पहना सकते हैं। तो अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो का न्यू अपडेट आपके पास सबसे पहले मिले। और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।